पानी टंकी पर नगर सेवक और वकील में बढ़ी तकरार, सवाल पूछने पर गहराया विवाद, पुलिस थाने पहुंचा मामला। झगड़ा हुआ ही नहीं, बात ही नहीं हुई। मेरे परिवार का नाम, दोस्तों का नाम जो बदनाम किया जा रहा है, इसकी सफाई देने के लिए ये प्रेस मीट बुलाई गई है। तस्वीर में दिख रहा वासी सेक्टर 6 का यही वो पानी टंकी है जिसके पुनर्निर्माण की शुरुआत पर ही बवाल मच गया है। दरअसल वाकया उस समय का है जब बीती शाम पूर्व नगर सेविका दिव्या वैभव गायकवाड़ इसके पुनर्निर्माण कार्यों की अनौपचारिक शुरुआत के लिए यहां नारियल फोड़ने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि तब सानी रहवासी एडवोकेट नीलेश भोज ने और उनके कुछ साथियों ने सवाल पूछ लिया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इस बात पर कहा सुनी इतनी हो गई कि पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड़ ने पुलिस बुलवा ली और वकील नीलेश भोज ने राजेश शेट्टी, विलास भगत समेत 4 लोगों को गुंडा करार देते हुए उनके खिलाफ शिकायत लिखवा दी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट नीलेश भोजने ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि गायकवाड़ ने शिकायत में हमें गुंडा बताया है, यह आरोप बेबुनियाद है और हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। यहाँ का एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन वकील हूँ मैं, वाशी का, पलाबड़ा वाशी में हूँ। वाइफ मेरी लॉयर है, बेटा मेरा जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। हम लोग वहाँ पे टंकी का काम देखने गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है उधर, वहाँ पे खड़े थे। उस दरमियान वैभव जी, दिव्या मैडम वहाँ पे हमारे सामने थे। उन्होंने, हम ये समझ में थे कि हमको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके पहले ही पुलिस वालों को बुलाया गया। उनको शायद हम वहाँ पे नहीं रहे ऐसी उनकी इच्छा होगी। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है कि हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है या गलत कहा है उनको या गुंडागर्दी की है हमने, इसके बारे में कंप्लेंट दर्ज हुई है पुलिस थाने। नीलेश भोज ने, राजेश शेट्टी, विलास भगत, पेरुमल रेडियार, ये 4 नाम शामिल किए गए हैं और जो भी आरोप लगाए गए हैं पूरे गलत है, बेबुनियाद है। गौरतलब है कि किसी भी सार्वजनिक विकास या निर्माण के समय उसके संदर्भ में मनपा द्वारा सूचना फलक लगाना अनिवार्य है, लेकिन इस जर्जर पानी टंकी को गिराने की शुरुआत को लेकर कोई भी सूचना फलक नहीं लगा है। नीलेश भोजने ने कहा कि इसीलिए हमने छोटा सा सवाल पूछा था, लेकिन पूर्व नगर सेवक ने इस पर बवाल मचा दिया। वहीं राजेश शेट्टी ने वैभव गायकवाड़ पर किए गए एहसानों की लंबी लिस्ट गिनाते हुए सवाल पूछा कि जब हमने उनके लिए कन्यादान किया, जाति प्रमाण पत्र लाया, बेटी का एडमिशन कराया, रिजाइन लेटर पहुंचाया, उनके चुनाव जिताने में मदद की, तब हम अच्छे थे और आज अचानक गुंडा कैसे हो गए। और ये फिर से बात यही आती है, टंकी का काम है तो इसकी सही तरीके से सूचना फल में आना चाहिए, ये काम कब शुरू होने वाला है और उसके अनुसार लोगों को बताया जाना चाहिए कि भाई ये काम करते समय क्या हानि होने वाली है, क्या तकलीफें होने वाली है, इस बारे में मेरी शिकायत। शिफ्टिंग करते नहीं किया, हम लोग ने बात भी नहीं किया उनसे, हम सिर्फ खड़े थे, वही आके एब्यूसिव लैंग्वेज बात करना चालू किया। तो हमारा विलास भगत बोला, हम लोग, आप शूटिंग कर रहे हैं ऐसा हम लोग भी शूटिंग कर रहे हैं, इतना ही बातचीत हो गया। तो उसने पुलिस को बुला लिया। उनका शादी का कन्यादान मैं किया है, उसका शादी का कन्यादान विलास भगत ने किया है, उसका लड़की का एडमिशन मैंने किया है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट पुणे से मैं ला के दिए, इलेक्शन में टिकट मैं उसको दिलाया है, उसको 9 वोट से जीता के मैं लाया है, वो सबको मालूम है। नहीं नहीं, वही उसके लिए बोलता था, तब मैं गुंडा था क्या? उनको पूछिए, मैं गुंडा था क्या 10 साल पहले आपके साथ में, आपके लिए क्या क्या किया, उनको समझना होता है। सूत्रों की माने तो हाल ही में बीजेपी नेता गणेश नाइक को छोड़कर एनसीपी में घर वापसी करने वाले दिव्या वैभव गायकवाड़ ने पानी टंकी के पुनर्निर्माण का वादा किया था, जो पूरे 5 साल भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में जब चुनाव सिर पर है, तब वे नारियल फोड़कर महज दिखावा करने की कोशिश में हैं। सच तो ये भी है कि 31 दिसंबर को निकाले गए मनपा के वर्क ऑर्डर पर 1.5 महीने बाद भी कोई काम नहीं हुआ है, जो इसका सबूत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।